लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। साल 1987-88 के दौरान लोगों को टीवी सेट के सामने बांधकर अघोषित कर्फ्यू लगवाने वाले लोकप्रिय धारावाहिक रामानंद सागर की रामायण का प्रसारण आज फिर से शुरू हो गया है। जनता की मांग पर रामायण का प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर फिर से शुरू होने पर लोगों ने खुशी जताई है। पहला एपिसोड देखने के लिए लोग सुबह से इसका इंतजार करते दिखाई दिए। सुबह 9 बजते ही इसका प्रसारण शुरू हुआ, दूसरा रात 9 बजे प्रसारित होगा। गौरतलब है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश 21 दिनों तक लॉकडाउन है, लोग घरों में ही हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फिर से दूरदर्शन पर रामानंद सागर की रामायण का प्रसारण करने का ऐलान किया था, जिसके बाद आज से प्रसारण शुरू हो चुका है और लोग इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। आज से 80-90 के दौर की पब्लिक अपने बचपन में लौट गई है। उन्हें वे दिन याद आ गए जब वह परिवार के साथ रामायण देखते थे। घरों में परिवार के साथ बैठकर रामायण का लुत्फ उठाने वाले लोग दूसरे लोगों से भी बेवजह बाहर घूमने के बजाय घर में रहने और सुरक्षित रहने की अपील कर रहे हैं। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। भारत सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मेरे एक छोटे से निवेदन पर रामायण का प्रसारण पुनः चालू किया है। रामायण देखने से दो फायदे होंगे, एक तो चल रही महामारी, इससे लोगों घर से बाहर नहीं निकलेंगे, घर में रहेंगे। दूसरा, संस्कार से परिपूर्ण रामायण देखने पर जनता में संस्कार आएंगे, बच्चों में संस्कार आएंगे, माँ बाप से कैसी बात करना चाहिए सीखेंगे। और रामायण के अंदर जो चीज़ दिखाई गई है वो अपने ऊपर अगर अमल कर लें तो जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए मैं भारत सरकार का और मोदी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। साथियों, घर में रहें, रामायण देखें। जय श्री राम। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।